उपचुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सीएम चौहान ने कहा कि मैंने कोरोना की स्थिति और टीकाकरण के विवरण के बारे में पीएम मोदी से बात की। मैंने उन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक संभावित संवेदीकरण अभियान के बारे में भी बताया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को पहले टीका लगाया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरा पुस्तिका मैंने उनको सौंपी है और टाइमलाइन हम तय करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके मुख्य बिंदुओं पर भी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, पर्यटन का सवाल हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल हो, सुशासन का सवाल हो, गुड गवर्नेंस या अर्थव्यवस्था और रोजगार का मुद्दा हो, हर एक पर विस्तार से चर्चा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।